नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं सभी साथियों, सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दुनिया में किसी भी गली मोहल्ले एवं किसी भी जगह से सुन रहे सभी लोगों का, सभी भाइयों का एवं सभी बहनों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए बता दूं, भारत देश के ओडिशा राज्य की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जो कि इंजीनियर्स के लिए रिलीज़ हुआ है। आपको बता दूँ, 666, आप ध्यान से सुनिएगा, 666 इतनी वैकेंसीज पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, आपके राज्य सरकार उड़ीसा द्वारा, ओपीएससी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है जो कि दो तरह के नोटिफिकेशन है, आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, मैकेनिकल और सिविल यानी कि आपके इंजीनियर्स के लिए, इन सभी के लिए। टोटल 666 वैकेंसीज आए हैं यानी कि 666 लोगों के लिए जॉब आई है। सबकी सब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे ये सारी, और स्टेट गवर्नमेंट में सारी जॉबें जा रही हैं। आपको बता दूं, इसका नोटिफिकेशन आए हुए 1 वीक करीब हो चुका है, और इस नोटिफिकेशन में जो भी कुछ बताया गया है वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। इसके बाद आप सभी लोग, सभी भाई, सभी बहन एवं जो भी लोग एलिजिबल हैं वो जाकर अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में जो भी पॉइंट है, शायद जैसे कि एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, फॉर्म अप्लाई करने की डेट्स, फॉर्म का फीस है या नहीं है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो सारा कुछ, सैलरी और बेनिफिट क्या क्या है, और वैकेंसीज किस तरीके से बताई गई हैं कि कैटेगरी वाइज हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। इसके बाद सभी लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज 4 जनवरी के दिन इस नोटिफिकेशन को डिस्कस किया जा रहा है, 2024 ईयर के पहले महीने की 4 तारीख को इसको डिस्कस किया जा रहा है, और इस नोटिफिकेशन के जो डेट्स हैं फॉर्म के, उसमें अभी समय रखा हुआ है, तो सारी जानकारियां समय से डिस्कस आपके साथ हो रही हैं। बात करें, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो राज्य भर में, उड़ीसा राज्य में जो लोगों को, पब्लिक को जो सर्विस दिए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी पोस्टें होती हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट करने का काम वो ओपीएससी द्वारा आज के समय पर हो रहा है 2024 ईयर में। मुझे उम्मीद है सारी जानकारी लोगों को समझ आ रही होंगी। थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, आप अगर देखना चाहो तो ओपीएससी वेबसाइट का लिंक आपको ये दिख रहा है, बाकी जॉब का जुड़ा हुआ हर एक लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया गया है, चाहे वो अप्लाई करने का हो या फिर नोटिफिकेशन का हो। अप्लाई लिंक एक्टिव अभी हुआ नहीं है, जैसे ही आएगा आपको वो भी मिल जाएगा। उम्मीद है सभी हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या कोई भी ऐसी जगह है पूरे देश में भारत की, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक आखिर तक इस वीडियो को सुनेंगे। सबसे पहले बात ये आ जाती है कि दूसरे राज्य के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर दुनिया में और जिस जगहों से भी लोग देख रहे हैं, तो क्लियर कर दूँ भाई, ये भारत लोगों के लिए जॉब रहेगी, भारत के लोगों के लिए जॉब रहेगी। अब बात ये आती है कि भारत के अंदर भी, अब आप ये बात करो कि भारत के अंदर भी यहाँ पर अलग राज्य के लोग, दूसरे राज्य के लोग एलिजिबल हैं या नहीं, वो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। मेनली उड़ीसा लोग के लोग जो होंगे वो इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आप ऑल इंडिया बेस में पूछ रहे हो तो मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है? तो सारी जानकारी आप ध्यान से एक बार सुन लें। देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है, आपको बता दूं यहाँ पर दो तरह के नोटिफिकेशन आए हैं। कह रहे हैं हमें रिक्रूटमेंट करनी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स चाहिए हमें, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैकेनिकल चाहिए इन ग्रुप ए। ग्रुप ए मतलब हो जाता है, ये ग्रुप ए के पोस्ट है यानी कि एक अच्छे पोस्ट है ऑफ उड़ीसा इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर हमें चाहिए, अंडर द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट यानी कि पानी जो रिसोर्स, वाटर रिसोर्सेज जो है, मतलब कि पानी के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए विभाग है इनका, स्टेट गवर्नमेंट में वाटर रिसोर्सेज विभाग डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट में है ये। और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहिए, एक तो सिविल चाहिए और एक हमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, ठीक है भाई? आप लोगों के पोस्ट का नाम होगा, आप लोग होगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप कहलाओगे यहाँ पर, और ग्रुप ए के अंदर आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। वेबसाइट आपको ओपीएससी का भी दिख ही रहा है, इन्होंने लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। आपको बता दूँ, ऑनलाइन सभी को फॉर्म भरने हैं जो भी लोग एलिजिबल हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, 12 जनवरी से यानी कि 12th of January 2024 से लेकर 12 फरवरी 2024 तक सभी लोग फॉर्म भर लेना, ये इन्होंने अपना फॉर्म भरने का समय दिया है सभी लोगों को।
अभी आप देखोगे ये जो अभी आपके सामने जो नोटिफिकेशन दिख रहा है इसमें 580 580 वैकेंसीज हैं, और आप अगर देखोगे एक दूसरा नोटिफिकेशन भी है जिसमें 86 वैकेंसीज हैं, वो सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की हैं, और ये वाली आपकी मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज हैं। राज्य उड़ीसा में जाके जॉब करनी होगी, राज्य के लोग तो अप्लाई करेंगे ही, दूसरे राज्य के लोगों के लिए मैं जल्द ही क्लियर करने वाला हूँ। आपको बता दूँ आपके पास पूरा 1 मंथ का समय है, 12 जनवरी से 12 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। 580 580 लोगों की जॉब है, 194 महिलाएं होंगी इसके अंदर टोटल वैकेंसीज में से। आपको बताता चलता हूं मैं, यहां पर ये कह रहे हैं हमें जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल चाहिए वो हमें वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, वर्क्स डिपार्टमेंट, एच एंड यूडी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, एंड रिक्रूट करने हमें 41 लोग यहाँ पर 241, उसके अंदर हम जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि 13 महिलाएं लेंगे हम पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल वालों की वैकेंसी इसमें हमें कम दिख रही है, तो आप ये चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। इसमें जो है मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, इनकी वैकेंसी जो भी है। देखिए इन्होंने अभी इसमें एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, ये आप जो देख रहे हो 580 वैकेंसीज, ये डायरेक्ट ये सारी सिविल इंजीनियर्स की हैं, सिविल इंजीनियर 580 चाहिए इनको, और 41 इनको इसमें आपके जो है मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। ठीक है भाई, तो सिविल इंजीनियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है इनको, इन ग्रुप ए ऑफ उड़ीसा इंजीनियरिंग सर्विस कैरिंग स्केल लेवल 12 का सैलरी देंगे। ठीक है भाई, तो आप ओआरएसपी के लेवल 12 का सैलरी आपको क्लियर कर देते हैं कि आपका सैलरी क्या होगा। ठीक है भाई, तो मैं आपको एक बार बताता चलता हूँ, तो हमें पता लग गया है यहाँ पर 78,000 से लेकर, ये मिनिमम है दोस्तों, आपको शुरुआती तौर पर 80,000 रुपये मिलेंगे हर महीने, और मैक्सिमम 2,10,000 तक मिलेंगे। आप उड़ीसा राज्य में देख रहे हो सैलरी कितना सही है, आप देख लो ये 2,10,000 रुपये तक का सैलरी आपको मैक्सिमम देंगे। आप ये मान के चलो कि शुरुआती तौर पर ही आपको 80,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक पर मंथ देंगे, और धीरे धीरे वो आपका 2 लाख भी जाएगा। ठीक है, लेवल 2 है ये, ओआरएसपी लेवल 2 12 है, लेवल 12 का सैलरी है भाई ये, एक ग्रुप ए में सारे पोस्ट आ रहे हैं, आप डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के विभाग में जाओगे यहाँ पर, और ये आपके सैलरी है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, अगर मान लीजिए उड़ीसा राज्य में जहाँ आप जॉब कर रहे हो या फिर आपके एरिया में, वहाँ पर महंगाई हो गई, चीज़ें महंगी होने लग गई, तो ये आपको डियरनेस अलाउंस दे देंगे और अदर अलाउंस भी यहाँ पर आपको देंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे। वैकेंसीज पोजीशंस कुछ इस तरीके से हैं, आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज 580 हैं, जिसमें से 194 महिलाएँ होंगी सिर्फ, और यू आर कैटेगरी के 226 लोग 226 लोग चाहिए इनको। SEBC जो लोग सामाजिक तौर पर और पढ़ाई के तौर पर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आ गए हैं, वो लोग 77 उन लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। अनुसूचित जाति वाले 137 लोग रहेंगे, अनुसूचित जनजाति वाले 40 लोग होंगे, तो टोटल आप वैकेंसी समझ सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व डिसेबल्ड डिसेबल्ड वालों के लिए वैकेंसीज आपको बता दूँ, जिन लोगों को नहीं दिखता या कम दिखता है, ऐसे 7 लोग लिए जाएंगे इस पोस्ट पर, जिसमें से 2 महिलाएं होंगी, और हियरिंग इम्पेयर्ड वाले 6 लोग होंगे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी सेबरल पैलेसी, और इसके अलावा ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको भी है, उनकी वैकेंसीज यहाँ पर टोटल 5 है, उसमें से 1 महिला होंगी। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज आप यहाँ से समझ सकते हो। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हो इसमें आप देखोगे कि जो टोटल वैकेंसीज हैं इसमें से 6 लोग खिलाड़ी लोगों को भी ले लेंगे, स्पोर्ट पर्सन को, जिसमें से 2 महिलाएँ ली जाएंगी। अब जितनी वैकेंसीज आपको दिख रही है उसमें से महिला वाली वैकेंसी हटाकर सारी पुरुष को चली जाएंगी, ये चीज़ें कन्फर्म्ड है। अब आपको बता दूँ द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव, उनको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि उनको कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जाना है इन सिविल इंजीनियर के पोस्ट पर। ठीक है भाई, आप लोगों को बताना है फॉर्म के अंदर कि हाँ भाई मुझे इस इंजीनियरिंग चाहिए, लेकिन हमें मेरे को इस विभाग में चाहिए। इस तरीके से मैकेनिकल वालों की 41 वैकेंसीज अलग है। ठीक है भाई, मैकेनिकल की जो वैकेंसी आप अब देख रहे हो ये अलग वैकेंसीज हैं, तो इस तरीके से आपकी
लगभग लगभग 700 से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज टोटल हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल मिलाकर। ठीक है, मैकेनिकल वालों की वैकेंसीज कम दी हैं, जिसमें से 13 महिलाओं को लेंगे, बाकी आप यहाँ से देख लेना। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा, मतलब कि शुरुआती 2 साल आपके लिए ऐसे रहेंगे कि आपको सर्विस ज़्यादा अच्छा देना होगा और आपको काम सही करना होगा, क्योंकि ये आपका प्रोबेशन पीरियड है। इसमें आपको मॉनिटरिंग करी जाती है, आपको देखा जाता है कि आप लोग सही से काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें होती हैं। और आपको बता दूँ, एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन बिटवीन, ये जो रिजर्वेशन के बेनिफिट है वो राज्य के लोगों के ही हित में जाएंगे, राज्य के लोगों के लिए ही जाएंगे, यानी उड़ीसा राज्य के लोगों को ही ये सब मिलेंगे। एज यहाँ पर बता दूँ, 21 प्लस फॉर्म भर सकते हैं और 38 बिलो लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग भी 1 जनवरी 2023 पे 21 प्लस कर गए और 38 बिलो थे, फॉर्म भर देना। लेकिन अगर आप 38 प्लस कर गए हो, अगर आप SC ST हो, तो आप लोग 43 की एज के होने तक फॉर्म भर सकते हो। सेम अगर आप लोग OBC या फिर SEBC जैसे कैटेगरी या राज्य के रिजर्व्ड हो, तो आप लोगों को अपने अपने कैटेगरी वाइज अपर एज में बेनिफिट दिए जा रहे हैं। डिसेबल्ड लोगों के लिए बताया जा रहा है कि अपर एज में आप 48 तक होने तक फॉर्म भर सकते हो अपने एज वाइज। अगर आप डिसेबल्ड हो प्लस आप SC ST या SEBC हो, तो आप 15 साल अपर एज का बेनिफिट उठाओगे यहाँ से। ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। जो भी ये बता रहे हैं उसको एक बार ध्यान में रखते हो। चले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दूँ, जो भी कैंडिडेट के पास डिग्री है इन सिविल इंजीनियरिंग, वही सिविल इंजीनियरिंग पे अप्लाई करेगा। जिसके पास इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल में है, वो मैकेनिकल वाला पोस्ट लेगा। सिंपल है भाई, किसी भी आपने गवर्नमेंट द्वारा किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपने अगर उसमें से ही इस क्वालिफिकेशन को किया है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन आपको बताता चलता हूँ, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपका एक गेट का एग्जाम होता है जिसको आप बोलते हो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग स्कोर एंड इंटरव्यू। आपके जो भी आपने जो लोग गेट एग्जाम पास्ड हैं, वही लोग यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, प्लस इंटरव्यू के बेस पर ये सिलेक्शन आपका होगा। सिलेक्ट द, ठीक है, इन्होंने बता दिया भाई, आपके गेट के जो भी मार्क्स हैं उसके बेस पर ये आपको सिलेक्ट कर लेंगे। मेरिट लिस्ट ये जो आपके बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, ये इंटरव्यू आपका लेंगे, उसको 10% वेटेज देंगे और 90% वेटेज आपके गेट के स्कोर को दे रहे हैं। ये इन केस मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट जो सेम मार्क्स लाए हैं, अपने मार्क्स इन इंटरव्यू में सेम मार्क्स ला रहे हैं, वो लोग उन लोगों को ये अलग तरीके से उनका जो है टाई केस सॉल्व कर देंगे। टाई केस मीन्स होता है कि आपके नंबर और सेम आपके कॉम्पिटिटर के मार्क्स जो कि इस रिक्रूट में जा रहा है या जा रही है, उनके मार्क्स को कंपेयर करके कैसे सिलेक्शन होते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका रहेगा। जिन लोगों ने गेट नहीं दिया, तो आप लोग फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपके लिए नहीं है। प्रोवाइडिंग दैट द कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम मार्क्स एट द कट ऑफ पॉइंट ऑफ ईच कैटेगरी, देखिए मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में सिर्फ 2 गुना लोगों को लेंगे। जैसे कि वैकेंसीज दी गई हैं, लगभग लगभग इन्होंने 580 + 41 ऑलमोस्ट इसकी वैकेंसीज हो जाती हैं 621, तो इतने लोग किसके 2 टाइम्स, यानी कि लगभग 1200 से 1300 लोगों को ही ये इंटरव्यू में बैठाने वाले हैं। ठीक है, कैंडिडेट आर टू अपलोड देयर गेट स्कोर अलॉन्ग विद ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको गेट के स्कोर अपलोड करने हैं। गेट एक एग्ज़ाम होता है, ये कोई ऐसा डोर वाला गेट नहीं है, ये गेट वो है जो कि एक आपके एग्ज़ाम होता है, जो कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है। तो वो जिन लोगों ने पास करा है, वही लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म का फीस आपको बताते चलता हूँ, फीस यहाँ पर कह रहे हैं किसी भी कैंडिडेट से फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि सभी लोग फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है। आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है, आप एक अच्छे करेक्टर हो, मतलब कि आपका एक करेक्टर बढ़िया करेक्टर हो, ये चीज़ याद रखनी है। और आपको कोई भी ऑर्गेनिक डिफेक्ट ना हो, फिजिकल इनफॉर्मिटी लाइक जैसे कि टू इंटरफेयर विद द डिस्चार्ज ऑफ हिजर ड्यूटीज इन द सर्विस। आप याद रखें कि आपको पढ़ना लिखना और बोलना उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए। उड़िया लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर अपने अपने स्कूली शिक्षा में पास कर लिया हो। कैंडिडेट जो है हु हैज़ मोर देन वन स्पूस, जो लोग एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ रह रहे हैं आज के समय पर, वह लोग फॉर्म नहीं भर सकते, इन्होंने मना कर दिया। सपोज कोई ऐसा मेल कैंडिडेट है जो ऐसी महिला के साथ, एक महिला के साथ अभी भी लिविंग में है, ठीक है, मतलब कि बेसिकली वो लोग फॉर्म ना भरें, ये जानते हुए कि उनके पहले ही एक और वाइफ है या जिसके ऐसी महिला है जिस जो कि
अभी जिंदा है और उसके बाद भी आप जो है सेकंड स्पूस के साथ, जीवन साथी के साथ ऐसे में ना हो, इस चीज़ का लोगों को ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स वेदर परमानेंट, जो लोग आज के समय पर सरकारी सर्वेंट हैं, ठीक है, कर्मचारी जिनको कहा जाता है, या तो आप परमानेंट हो या टेम्प्रोरी हो या फिर प्रोबेशन पे हो, ठीक है। तो आपको एक चीज़ इन्होंने कही है कि आपको अपने अपर एज में, यहाँ पर थोड़े इसमें इन्होंने कुछ कंडीशन रखे कि अपर एज में आपको फ़ायदे चाहिए या फिर आपको फॉर्म भरना है, तो आप NOC लगा देना कि आप जहाँ काम कर रहे हो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर दो। इस तरीके से लोग फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एक बार रीड कर लेना, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ पॉइंट अगर आपको रीड करने हो। आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं फॉर्म में, प्लस वहाँ पर भी दिखाने हैं जहाँ पर आप जाओगे OPSC विभाग में इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपको बताता चलूँ कि आपको अपने 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और आपके ग्रेजुएशन डिग्री जो भी आपका है, BTEC होगा या इंजीनियरिंग सिविल में या मैकेनिकल में, आपको उसके अलग अलग सेमेस्टर्स के मार्कशीट, एनुअल मार्कशीट्स, डिग्री, ये सब चीज़ें आपको दिखानी है और ये सब आपको फॉर्म में भी लगानी है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हो तो आप अपने कास्ट वाले फॉर्म अपलोड कर देना फॉर्म के अंदर ही जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। चलिए, सबको समझ आता होगा, थोड़ा आगे चल लेते हैं। इसके अंदर ये कुछ पॉइंट है, आप एक बार रीड कर लेना इन सब चीज़ों को। कैसे कैसे पॉइंटों में आपका रिजेक्शन हो सकता है इस रिक्रूटमेंट में, वो आप ये पहला 10th वाला पॉइंट रीड कर लेना। अप्लाई करने का प्रोसेस कैसा रहेगा वो आपको यहाँ बताया गया, वो रीड कर लेना। एक फैसिलिटी काउंटर दिया गया है कि आप लोग इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको अप्लाई करने के लिए फॉर्म में आए उस समय पर। फॉर्म के डेट्स बता दूँ, 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, नाइट में 12 से पहले पहले, ठीक है। ये आपके उड़ीसा जगह के कटक जगह से नोटिफिकेशन आया है और ये 28 दिसंबर 2023 के डेट में इस नोटिफिकेशन को डाला गया, सेक्रेटरी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी OPSC द्वारा इस नोटिफिकेशन को दिया गया। तो आपको समझ आता होगा स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है सारी की सारी और सभी इंजीनियर्स की जॉब है। ये मैकेनिकल और सिविल वालों का नोटिफिकेशन था। 2621 वैकेंसीज टोटल इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। जो लोग भी गेट स्कोर पास्ड हैं, मतलब आपने अगर इस साल या इससे पिछले साल या पहले कभी भी गेट एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें एक अच्छे मार्क्स लाए हैं तो आप अप्लाई कर देना। बेसिकली आप उसमें अगर पास हुए हैं तो आप फॉर्म भर देना। और आपको बता दूं, ये लोग सिर्फ 2 गुना लोगों को, जैसे कि 621 वैकेंसी आप देख रहे हो, ये सिर्फ 1200 या 1300 लोगों को ही इंटरव्यू में बुलाएंगे। गेट के स्कोर देखे इन्होंने, इन्होंने देखा कि टॉपर्स जो शुरू के 1200-1300 लोग हैं उन्हीं लोगों को ये इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे और फिर इंटरव्यू करा कर ये आपका सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से ये लोग आपको सिलेक्ट करेंगे, कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं लेंगे। इंटरव्यू में यही पूछेंगे, भाई आप इस जॉब को लेना क्यों चाहते हो, आपके आपके अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि आपको ले कि दूसरे कैंडिडेट को ना सिलेक्ट करें। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से इंटरव्यू में होती हैं, इसके लिए आप तैयारियाँ कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन हो गया। सेकेंड नोटिफिकेशन आपका वही सेम OPSC द्वारा है, लेकिन इस नोटिफिकेशन को इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसीज आप देखोगे, इनकी वैकेंसीज 86 हैं, 86 लोग चाहिए इनको, जिसमें से 29 महिलाओं को लेंगे। और आपको बता दूँ, ये वैकेंसीज भी स्टेट गवर्नमेंट में जा रही हैं। ये आपके जो इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं वो ये लोग लेंगे आपके डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो एनर्जी का विभाग है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वालों की रिक्रूटमेंट रहेगी, ठीक है भाई। वैकेंसीज आप एक बार कैटेगरी वाइज समझ लो, डिसेबल्ड वाले भी अपनी वैकेंसी समझ लो। और डिसेबल्ड वालों को फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने होंगे, अगर वो इनमें से किसी भी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो वो ये वाले फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दें तभी वो लोग फॉर्म भरेंगे। सपोज आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, स्टैंडिंग और सिटिंग और बेंडिंग, वॉकिंग जैसी चीज़ें आप कर पा रहे हो तभी आप लोग फॉर्म भरोगे। इन्होंने बाकी कहा है कि 2 साल आप प्रोबेशन पर रहोगे शुरुआती तौर पर, उसके बाद आपका सेम बढ़ेगा सारा, सैलरी जो भी कुछ रहेगा वो सारा कुछ, मतलब कि आपको परमानेंट के 2 साल बाद ही मानेंगे, शुरू के बाद 2 साल में ही आपसे काम ज़्यादा करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लेवल 12 का सैलरी है, लेवल 12 में इनका भी सैलरी यानी इनको भी सेम वही 80,000 से लेकर 2,10,000 के बीच में सैलरी रहेगा, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे 80,000 देंगे आप इंजीनियर्स को, गेट प्लस जो लोग पास हैं गेट एग्ज़ाम को वही लोग फॉर्म भरे। 21 से 38 सेम एज इन्होंने इसके लिए भी, इस वाले पोस्ट के लिए भी दिया है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन लोगों ने पास करी है वही लोग फॉर्म भरेंगे, यानी बीई बीटेक है या फिर कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग करा है लेकिन इलेक्ट्रिकल में करा है तो वही लोग फॉर्म भर देंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन वही है कि गेट के स्कोर आपके जितने भी आए हैं उसी के बेस पर आपको इधर भी सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि जितने भी इंजीनियर्स लोग होते हैं वो गेट एग्ज़ाम दे देते हैं तो उनको यहाँ पर फ़ायदे मिल जाते हैं। सिंपल कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे, गेट स्कोर दिखाओ और अपना सिलेक्शन ले लो। फॉर्म का फीस इस पोस्ट पर भी नहीं लिया जाएगा, सभी भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बस इतना याद रखें कि उड़िया लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि आप उड़ीसा राज्य में जा रहे हो जॉब करने तो आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। और एनओसी सबमिट कर देना, जो लोग भी आज करेंटली कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से एक साइन करवा के एनओसी फॉर्म में ही डाल देना, ठीक है भाई। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए एक बार फिर से इधर दिए हुए हैं, आप रीड कर लो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप फॉर्म में लगाओगे, वही सारी चीज़ें इधर भी दी हुई हैं। वही सेम है, 10% वेटेज ये इंटरव्यू को देंगे, 90% ये वेटेज गेट के स्कोर को देने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है इन्होंने वो बताया हुआ है, और फैसिलिटी काउंटर की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है, आप कॉल कर कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अप्लाई करने में अगर आती है तो। डेट्स आपके लिए यहाँ पर थोड़े अलग रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, डेट्स में थोड़ा डिफरेंस है। अगर जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पे अप्लाई करेंगे उनके फॉर्म 19 जनवरी से चालू होकर 19 फरवरी में क्लोज हो जाएंगे, मतलब कि ज़्यादा समय इन्होंने जो मतलब दिया है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वालों को दिया है क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों का नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, सबका सेम ही दिन आया है, लेकिन फॉर्म इलेक्ट्रिकल वालों के लेट चालू होंगे, मैकेनिकल सिविल वालों के पहले चालू हो रहे हैं, ठीक है भाई। जो लोग मैकेनिकल सिविल में फॉर्म भरोगे वो लोग 12 फरवरी तक फॉर्म भर लेना, ठीक है। ओपीएससी सेक्रेटरी कटक द्वारा इसका नोटिफिकेशन डाला गया है। कटक आपकी एक जगह है उड़ीसा राज्य में, आपकी सभी की जॉब उड़ीसा राज्य में रहेगी। आप अगर दूसरे राज्य से फॉर्म भरोगे, सपोज हरियाणा से, मेघालय से, या फिर कर्नाटका से, और वेस्ट बंगाल से, या किसी भी ऐसी जगह से पूरे देश में उड़ीसा राज्य को छोड़ के, तो आप लोगों को एलिजिबल माना गया है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया, कोई सिलेबस कोई एग्ज़ाम कुछ है नहीं, आप गेट पास होने चाहिए, गेट एग्ज़ाम पास्ड वाले लोग फॉर्म भर देना, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, बाकी कुछ कंडीशंस फॉलो कर लेना। मुझे उम्मीद है सबको सारा कुछ समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट में बताएं, और जानकारी को देश विदेश और दुनिया भर में फैला दीजिए, खासकर भारत देश में। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।